बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे सेक्शन 219 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड को। व्यूअर्स, हम सेक्शन 219 को पढ़ने और समझने से पहले सेक्शन 77 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड को, जो कि चैप्टर नंबर 4 में मौजूद है, उसको पढ़ लेते हैं। उसको पढ़ने का हमें ये फायदा होगा कि हमें इस सेक्शन को पढ़ने और समझने में आसानी हो जाएगी। सेक्शन 77, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशली इन द एक्सरसाइज ऑफ एनी पावर विच इज और विच इन गुड फेथ ही बिलीव्स टू बी गिवन टू हिम बाय लॉ। सेक्शन 77 के तहत जज को एक्सेप्शन हासिल है। सेक्शन 77 में बताया गया है कि जब कोई जज कोई ऐसा एक्ट करता है जो इसने अपने कानूनी इख्तियारात को अदालती काम करते हुए किया हो, या जो एक्ट वो नेक नीति से समझता हो कि वो कानूनी तौर पर इख्तियारात को जेरे कार लाने में कर रहा है, तो ऐसी सूरत में अगर जज अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करता है और वो ये नेक नीति से समझता है कि उसको ये इख्तियारात हासिल हैं, तो ऐसी सोच में उसका ऐसा जो एक्ट होगा ऑफेंस नहीं कहलाएगा। यहां तक कि अगर ऐसा जज अपने इख्तियारात को बेकायदगी से भी इस्तेमाल करता है तो भी उसका ऐसा जो एक्ट होगा वो जुर्म की तारीफ में नहीं आएगा, जब तक कि उसकी बदनीयति शामिल ना हो। अब हम सेक्शन 219 पढ़ लेते हैं। सेक्शन 219 सेज, हूएवर बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट करप्टली और मैलिशियली मेक्स और प्रोनाउंसेस इन एनी स्टेज ऑफ अ जुडिशियल प्रोसीडिंग एनी रिपोर्ट ऑर्डर वर्डिक्ट और डिसीजन विच ही नोस टू बी कॉन्ट्रेरी टू लॉ शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 7 years आर विद फाइन आर विद बोथ। ये जो सेक्शन है ये सरकारी मुलाजिम के उन इख्तियारात से मुतल्लिक है जो कि किसी अदालती कार्रवाई के किसी मरला पर इस्तेमाल होते हों। वो ऐसे जो इख्तियारात हैं वो करप्टली या मैलिशली तौर पर इस्तेमाल करते हुए कोई रिपोर्ट मरतब करने से या कोई हुक्म देने से या कोई राय सुनाने से या फैसला देने से मुतल्लिक हैं। इसमें बताया गया है कि अगर कोई सरकारी मुलाजिम होते हुए किसी अदालती कार्रवाई के किसी मरले पर करप्टली या मैलिशली कोई रिपोर्ट मरतब करता है या कोई हुक्म देता है या राय देता है या सुनाता है या फैसला देता है जिसका खिलाफे कानून होना वो जानता हो, जिसका खिलाफे कानून होना वो जानता हो, तो इसको दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैद की सजा दी जाएगी जिसकी मियाद 7 वर्ष तक हो सकती है या जुर्माना या दोनों सजाएं। देखिए, हम ये कह सकते हैं कि इस सेक्शन में नाजायज फेल के साथ मुजुर्माना इल्म को भी शामिल कर लिया गया है। अगर इस सेक्शन के तहत अदालती कार्रवाई में कोई जज मैलिशली या करप्टली जानते बूझते एक्ट करेगा तो वो ये नहीं कह सकता कि उसको सेक्शन 77 के तहत एक्सेप्शन हासिल है। सेक्शन 77 के तहत उसको एक्सेप्शन उसी वक्त हासिल होगी जब उसकी नेक नीति होगी और वो ये समझते हुए कि उसको ऐसे इख्तियारात हासिल हैं कोई ऐसा हुक्म दे दे तो फिर उसको 77 के तहत एक्सेप्शन हासिल होगी, लेकिन जब उसकी बदनीयति शामिल हो, वो करप्टली और मैलिशली ऐसा एक्ट कर रहा हो, फैसला दे रहा हो या राय सुना रहा हो या हुक्म दे रहा हो, तो उसको इस सेक्शन के तहत सजा दी जाएगी। इसकी तारीफ में जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है मैलिशली, ये अपने अंदर काफी मायने रखता है। इसमें बदनीयति भी शामिल हो जाती है, इसमें कीना भी शामिल हो जाता है, इसमें बुग़्ज़ भी शामिल हो जाता है, इसमें अदावत भी शामिल हो जाती है। कानून के मुताबिक मैलिशली से मुराद ऐसा गलत फेल है जो किसी जायज या काबिल मुआफी वजह के बगैर इरादतन किया जाए,
कानूनन ये लफ्ज जाती अदावत तक महदूद नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा सरजद करदा फेल है जो दानिस्ता किया जाए और जो दूसरों के लिए मुजरत रसा हो। इस सेक्शन के तहत मुजरिम को सलाह देने के लिए जरूरी है कि यह साबित किया जाए कि मुजरिम सरकारी मुलाजिम है। दूसरे नंबर पर यह साबित किया जाए कि इसने रिपोर्ट, हुक्म, राय या फैसला मरतब किया। तीसरे नंबर पर यह साबित किया जाए कि इसने ऐसी रिपोर्ट, हुक्म, राय या फैसला जो मरतब किया था वो मैलिशली और करप्टली किया था। चौथे नंबर पर यह साबित किया जाए कि ऐसा हुक्म, रिपोर्ट, राय या फैसला को किसी अदालती कार्रवाई में तैयार किया गया या सुनाया गया। पांचवें नंबर पर यह भी साबित करना जरूरी है कि ऐसी रिपोर्ट वगैरह खिलाफ कानून थी। छठे नंबर पर यह भी साबित करना जरूरी है कि जब मुलजिम ने ऐसी रिपोर्ट वगैरह तैयार की तो इसके इल्म में था कि यह खिलाफ कानून है, यानी कि खिलाफ कानून साबित करना जरूरी है। लेकिन साथ ही ये साबित करना भी जरूरी है कि मुलजिम के इल्म में भी था कि ये जो रिपोर्ट वगैरह है ये खिलाफ कानून है। इस सेक्शन के तहत जो कार्रवाई होगी वो अदालत सेशन जज की रूबरू होगी। इसके तहत जो जुर्म है वो नाकाबिले दस्तंदाजी है, वारंट है, काबिले जमानतनामा है और नाकाबिले राजीनामा है। व्यूअर्स, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आप पाकिस्तान पिनल कोड से मुतालिक मेरी दूसरी वीडियोस देखना चाहें तो आप मेरे चैनल पर मौजूद पाकिस्तान पिनल कोड के नाम से प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।